हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कि जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैं गवर्नमेंट वैकेंसीज के कुछ अपडेट्स को लेके आया हूं, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एसएससी कांस्टेबल के जो भी फॉर्म्स हैं उनको कैसे फिल करना है और कैसे एप्लीकेशन करना है, वो सारे स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसीजर बताने वाला हूँ। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कब तक फॉर्म रहने वाला है, उसके बाद एंडिंग डेट बताने वाला हूँ मैं, और उसका एग्जाम फीस क्या है। तो भाई, किसी की भी एग्जाम फीस 100 रुपये से ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 250 जाएगी। तो इतना तो यार हम खा पी के उड़ा देते हैं। तो जो भाई अप्लाई करना चाहता है आफ्टर 10th एंड 12th, तो भाई आपके लिए चांस आ चुका है। आप जाके वो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। देन उसके बाद आप वहां पे जाके अपना फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हो। तो वो एप्लीकेशन का प्रोसीजर मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके आपको समझाने वाला हूँ। और भाई, जिसने जो चैनल पे नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस टाइप की नोटिफिकेशन वैकेंसी से रिलेटेड, सर्टिफिकेट से रिलेटेड और इंटर्नशिप से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपके पास कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, देन उसके बाद आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है एप्लीकेशन का। हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो मैं अब आपको गूगल पे क्रोम ब्राउजर पे लेके चलता हूँ, देन वहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो यार चैनल पे काफ़ी सारा कंटेंट है ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस के ऊपर और इंटर्नशिप, ये सारी आपको वीडियोज मिल जाएंगी यहाँ पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देन अब मैं लेके चलता हूँ आपको नॉर्मली ब्राउजर पे। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बेसिकली सर्च करना है सरकारी रिजल्ट.com। सरकारी रिजल्ट.com पे पहली वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर ही लिया है, बेसिकली 1 सेकेंड लोड हो रही है वेबसाइट, तो इसको स्क्रॉल डाउन कर लिया मैंने। देन आपको मैं बेसिकली जो भी वैकेंसीज आती हैं लेटेस्ट जॉब में यहाँ पे शो होती है, जो आपके काम की है वो सारी वैकेंसीज एंड उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और हाउ टू अप्लाई, मतलब अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये SSC GD का है एक, तो SSC GD का यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करोगे, SSC GD कॉन्स्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021। तो ये मैंने ओपन कर लिया है पहले ही कि ज़्यादा लोड होने में टाइम डाले। तो यहाँ पे भाई अगर आप ST और ST SC ST कैटेगरी के हो तो आपका 1 भी रुपये नहीं लगना, फीमेल को भी 1 भी रुपये नहीं देने, बस जनरल OBC EWS वालों के लिए रखी होती है इनने, सबको पता है। तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कर देना भाई लोग। और एज लिमिट भाई यहाँ 18 से 23 है, एज रिलैक्सेशन SSC GD कॉन्स्टेबल रूल, मतलब एज रिलैक्सेशन बाय ST ST कैटेगरी मिल जाता है थोड़ा बहुत 1-2 साल का, तो वो देख लेना। और भाई पोस्ट ये निकली थी 25 मार्च को 12:55 पे, और ये 17 जुलाई तक लास्ट डेट है। तो फटाफट भाई अप्लाई कर दो, बस 17 दिन और आज इस वीडियो के बाद। तो क्लास 10th हाई एग्जामिनेशन इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 10th क्लास आप पास होनी चाहिए, इसमें कॉन्स्टेबल रैंक पे आपकी जॉब लगनी है। कहाँ कहाँ पोस्ट हैं वो पोस्ट बता देता हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल BSF में 7545 पोस्ट अवेलेबल हैं, देन CISF में 8464 पोस्टेस हैं। तो यहाँ पे आपको सारी पोस्ट यहाँ पे शो हो जाएंगी, देन उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल का भी शो हो जाएगा, OBC ST कितने टोटल पोस्ट अवेलेबल हैं, तो ये चार्ट आप इजिली देख सकते हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया एज का, अब उसके बाद इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे हाइट चाहिए भाई मेल की, वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ST वालों को 5 5 कम की छूट दे रखी है, और फीमेल में 157 होनी चाहिए और ST वालों को 155 पे ही हो जाएगा। देन यहाँ पे चेस्ट आता है 80 टू 85 सेंटीमीटर, और मेल में ST वालों को 76 टू 80 पे काम चल जाता है, और यहाँ पे तो नॉट रिक्वायर्ड कुछ लिखा ही नहीं है वहाँ पे, फीमेल में ऐसी नॉर्मली सिलेक्शन है। तो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, मतलब मेल को रनिंग करनी है 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर, और ST वालों को ही 5 किलोमीटर 24 मिनट, इसमें कोई छूट नहीं है भाई। और
1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स, ये फीमेल के लिए है। तो भाई फीमेल को 1.6 किलोमीटर और मेल को 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर रनिंग करनी है 24 मिनट में मेल को, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी एसएससी कांस्टेबल की। अलग अलग जगह पे इसकी सीट वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अभी मैं फर्स्ट से मैं आपको बता देता हूँ, सरकारी रिजल्ट पे आना है, देन एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करूँगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही दिखती जाएंगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सारी इन्फॉर्मेशन को रीड आउट कर लेना। अगर वीडियो से आपको समझ आ गया तो इनको रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे डायरेक्टली क्लिक करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद जो मेरा सेकेंड आता है वो उसी लिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो है जिस पोस्ट का नाम है SSB हेड कॉन्स्टेबल। तो इसमें भाई उसमें तो 10th क्लास रिक्वायरमेंट थी, तो 10th क्लास वालों के लिए मैंने एक एक बता दी मैंने एक वैकेंसी। अब ये भाई देखो ये पोस्ट है 24/7/2021 से 22/8/2021 तक अवेलेबल है, और एग्जामिनेशन फीस लास्ट पे करने की 22/8/2021 डेट है। उसके बाद एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड भाई अप्लाई कर दोगे तो ईमेल आईडी पे खुद ही आ जाता है डेट वेट, तो ये आप चेक भी करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे भी सेम वही है भाई कि अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हो तो 100 रुपये पे करना है, ST ST वालों को नहीं करना है, और फीमेल कैटेगरी को भी पे कुछ भी नहीं करना है। और इसमें मिनिमम एज भाई आपको चाहिए 18 और मैक्सिमम एज चाहिए आपको 25, और यहाँ पे आपको चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। तो भाई आप 12th पास होनी चाहिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के लिए, तो आपको यहाँ पे 12th पास चाहिए, प्लस आपको इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट आपको इतनी स्पीड चाहिए, और हिंदी टाइपिंग में 30 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। तो ये आप देख लेना भाई और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप 10+2 हो, अच्छी जॉब है हेड कॉन्स्टेबल की, तो आप यहाँ इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका भी यहाँ पे बेसिकली सब कुछ लिखा हुआ है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। तो रेसिंग में भाई 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है, फीमेल को 800 मीटर 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, चेस्ट या हाइट लिख रखी है, चेस्ट लिख रखी है, और ये सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखी है। तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने दो वैकेंसीज के बारे में आपको बता दिया। देन थर्ड हमारा आता है जो है इंडियन नेवी का। अभी ये एक हेड कॉन्स्टेबल एक कॉन्स्टेबल का था, अभी इंडियन नेवी में हमारा आता है ये एप्लीकेशन डेट, इसकी भी 2/8/2021 से 6/8/2021 तक है। इसमें भाई किसी को भी फीस भरने की जरूरत नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेलर एंट्री मैट्रिक म्यूजिशियन म्यूजिक रिक्वायर्ड। अब भाई म्यूजिक लिखा है तो आपको म्यूजिक आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो नेवी MS है, एंट्री म्यूजिशियन, क्लास 10, हाई स्कूल पास्ट एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, फॉर मोर डिटेल रीड नोटिफिकेशन। तो भाई आपको क्लास 10 बेसिकली पास होना है, यहाँ पे आपको फी भी नहीं भरनी है, और आपका एज जो है वो 1996 से 39/2004 के बीच में होना चाहिए, तो आप एप्लीकेबल हो। देन यहाँ पे आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट के अंदर, स्क्वाट पीस, देन मिनिमम चेस्ट एक्सपेंड, आपकी चेस्ट जो है अंदर सांस लेने में 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। तो बस ये इसकी रिक्वायरमेंट है, और फीस रिक्वायरमेंट इसकी कुछ भी नहीं है। तो भाई रनिंग वनिंग चालू कर दो, और ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी 2/8/2021 को, तो आप फटाफट अप्लाई कर देना। मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसकी डेट या आपने दीवार पे लिख लेना कहीं, या आपको जहाँ नोट वोट में जहाँ पे भी रखते हो वहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना। और इसको भी अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, यहाँ क्लिक करोगे डायरेक्ट आपका फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है, मैंने आपको 4 वैकेंसीज के बारे में बेसिकली बता दिया है। अब ये हमारा जो नेक्स्ट है, ये हमारी ये वैकेंसी है UKSSC कार्टोग्राफर एंड सर्वेयर ग्रुप सी पोस्ट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे भाई ये 3/8/2021 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और 16/9/2021 तक चलेगी। इसमें भाई 300 रुपये OBC और इनको भरना पड़ेगा, ST ST वालों को 150 रुपये, एज लिमिट है 18 से 42 साल। और इसमें आपको क्या क्या चाहिए, क्लास 10th आपको चाहिए फ्रॉम यूपी उत्तराखंड बोर्ड, और अदर बोर्ड भी चलेगा जो इंडिया में हो। तो ये हो गया। देन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग कार्टोग्राफिक सिविल आर्किटेक्चर, मतलब सर्टिफिकेट चाहिए डिप्लोमा का जो मैकेनिकल
सिविल से रिलेटेड हो उनका बैकग्राउंड, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा सर्विंग सब्जेक्ट और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग वाले सर्वायर के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे भाई फिजिकल नहीं है, बस एग्जाम एग्जाम है, और एग्जाम क्लियर होते ही आपकी जॉब यहाँ पे लग जाती है। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आपको जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको बेसिकली इसमें एग्जाम देना है, देन आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे अगर एग्जाम आपका क्लियर होता है तो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है RRC NCR, ये हमारी पोस्ट 2/8 से ये भी रिलीज होगी। 1/9 100 रुपये इसकी OBC WS वालों की है। 15 से 24 साल एज लिमिट है भाई, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे भी आपको क्लास 10 चाहिए, स्कूल मिनिमम 50% मार्क्स, ITI NCVT सर्टिफिकेट रिलेटेड टू ट्रेड, मतलब भाई यहाँ पे ट्रेड ट्रेड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप टैच फिटर टैच वेल्डर, तो आपको डिप्लोमा टाइप सर्टिफिकेट इनको देना पड़ेगा, कारपेंटर क्रेन मैकेनिस्ट इलेक्ट्रीशियन, तो इन सब की पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। बेसिकली आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो या अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करके। तो ये हमारी जो भी गवर्नमेंट जॉब या वैकेंसीज ही जो भी 10th पास और 12th पास के लिए, वो सारी मैंने आपको लगभग बता दिए 5 से 6। तो आप यार वेट करो, जिसका अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है और जिसका हो चुका है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट टाइम इसी टाइप की नोटिफिकेशन प्लस वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी।